नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप पीएलसी न्यूज़ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कॉलेज के मांग को लेकर जो नागपुरा के आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो एक डिमांड पर आए हैं कि उनके क्षेत्र में जो कॉलेज नहीं है उनको किस तरह से पूरा किया जाए, और कुछ और मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। हमारे पीछे जो देख सकते हैं आप, देशमुख जी यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनके द्वारा किन मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और क्या कुछ उनके अलावा और कुछ मांग है जी। अपना परिचय बताइए। धर्मेश देशमुख, जिला युवा कांग्रेस दुर्ग। क्या लेकर आप लोग यहाँ पर आए? हम लोग दुर्ग ग्रामीण, जो नागपुरा से 15 किलोमीटर की दूरी में दुर्ग ग्रामीण में क्षेत्र पड़ता है, ग्राम नागपुरा और अंजोरा खा दोनों के आसपास सेंटर पड़ती है, तो उन दोनों गाँव में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के पास मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। इससे पहले क्या आपने पहले और कोई जानकारी दे चुके हैं कि कॉलेज आपके क्षेत्र पे नहीं है? इस क्षेत्र में पूरा कॉलेज नहीं है, इसकी जानकारी हमने कलेक्टर महोदय को पिछले समय भी अवगत कराया था। इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान से लेकर सभी चीज़ की हमने कर चुके हैं, और ये आसपास के सरपंच एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबित मांग है। जिन आपने अभियान छात्र चलाए थे उसमें कुछ फ़ायदा आप लोग को मिला? आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, खासकर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से आकर हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और अनेक गांव में जाके उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस कॉलेज के खुलने से कितने जो विद्यार्थी उनको फ़ायदा मिलेगा? इस कॉलेज के खुलने से आसपास के समस्त क्षेत्रों में लगभग 15 से 20 किलोमीटर दायरे में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो इन कॉलेज की कमी के कारण गरीब मजदूर परिवार से आते हैं उन लोग सभी बच्चों की आगे की पढ़ाई शहर में प्राइवेट कॉलेजों में नहीं करा पाते, आने जाने की सुविधा नहीं हो पाती, शहर में कमरा लेना और कुछ करना ये सब उनके बजट में नहीं आता, इन सब के विवश होकर उन लोग 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हमने गवर्नमेंट कॉलेज की मांग की है, ताकि आगे की पढ़ाई सभी का सुचारू रूप से हो सके। जी, अपना परिचय बताएंगे। कमल नारायण देशमुख, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। आप लोग लगातार ये कितने बार है जो आप कलेक्टर से मिलने आ रहे हैं? ये 3 से 4 बार हो चुका है इस मामले को लेकर। इसी मामले को लेकर, कॉलेज के मामले को लेकर? हर बार आपको आश्वासन मिला है कि कुछ रिपोर्टिंग भी आई थी? नहीं, रिपोर्टिंग अभी कुछ नहीं है, इससे पहले 1-2 बार और आए थे हम लोग। क्या बोला गया था उस समय? ठीक है करके बोले थे, अब कलेक्टर के नाम दिए थे उस समय ज्ञापन, अभी मुख्यमंत्री जी के नाम दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री के नाम आप कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं? जी जी। अभी लगभग आप लोग कितने लोग आए हैं ज्ञापन देने? हम लोग अभी 15 से 20 लोग हैं, और आ रहे हैं बाकी लोग अभी और आ रहे हैं। क्या लगता है देशमुख जी, क्या इस बार जो आपकी मांगे उनको सुन लिया जाएगा? यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने हर क्षेत्रों का ध्यान रखा है, निश्चित ही इस बार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पहले क्षेत्र में नए कॉलेज की सौगात देंगे। नए कॉलेज की सौगात को लेने के लिए अभी देशमुख जी ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ और आसपास के क्षेत्रों को इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज जो सीएम के नाम से है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुखिया के नाम से आज इन लोग दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, इस मंशा के साथ कि इसके आसपास के क्षेत्र में, जो अंजोरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कॉलेज खुल सके, जिसके चलते आने वाले गरीब परिस्थिति में जो अपना पढ़ाई को नहीं कर पाते ऐसे छात्र वहाँ पर पढ़ाई कर सके और अपने भविष्य में अपना मुकाम पा सके। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।